हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुपर डीम जेमस स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं साइंस के 23 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस। दोस्तों ये वन लाइनर क्वेश्चंस की एक सीरीज़ तैयार की है हमने, जिसमें लगभग हमने कवर किए हैं 3000+ क्वेश्चंस, जिसका पार्ट नंबर ये फर्स्ट है। दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे NTPC का एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, SSC 10+2 का एग्ज़ाम हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल सीरीज़ होने वाली है। दोस्तों ये सीरीज़ का डेली आपको एक पार्ट मिलेगा, जो कि शाम को 9 और 9:30 बजे के बीच अपलोड कर दिया जाएगा। और दोस्तों आपको इस सीरीज़ को ज़रूर देखना है, जिससे कि आप किसी भी एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चंस अधिक से अधिक कवर कर सकें। तो दोस्तों इसका डेली आपको एक पार्ट मिलेगा, जो कि शाम को 9 और 9:30 बजे के बीच अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। दोस्तों विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, तो दोस्तों विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला है। अब दोस्तों विटामिन सी यहाँ आया, विटामिन सी। अब विटामिन सी के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कर्विक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कर्विक अम्ल। अब कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से एस्कर्वी रोग होता है, और मसूड़ों का फूलना भी इसी के कारण होता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़े भी फूलने लगते हैं। और कभी कभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन सी के बारे में कि विटामिन सी की खोज किसने की है, तो विटामिन सी की खोज की है होलकट ने। किसने की है? विटामिन सी की खोज की है होलकट ने। ठीक है, होलकट ने विटामिन सी की खोज की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट है कि मानव शरीर में गुर्दों का मुख्य कार्य है। दोस्तों मानव शरीर में गुर्दों का मुख्य कार्य क्या है, तो दोस्तों मानव शरीर में गुर्दे का कार्य होता है शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। क्या होता है? मानव शरीर में गुर्दे का कार्य होता है शरीर से जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, बेकार जो द्रव होता है, उसको बाहर निकालता है। ठीक है दोस्तों। अब कभी कभी पूछा जाता है जो हमारा शरीर में जो गुर्दा होता है, जो ब्रक जिसे हम बोलते हैं, उसमें जो एक पथरी बन जाती है, ठीक है, तो वो किसकी बनी होती है? तो दोस्तों ये पथरी जो कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों पूछा गया है कि किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अब दोस्तों विटामिन ए के बारे में हम जान लेते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, वो तो आपको बता दिया हमने। अब विटामिन ए की खोजकर्ता पूछे जाते हैं कि भैया विटामिन ए की खोज किसने की है, तो भैया मैकुलन ने, विटामिन ए व बी इन दोनों की खोज की है। विटामिन ए व बी की दोनों की खोज की है मैकुलन ने। ठीक है। अब विटामिन प्रचुर मात्रा में भैया गाजर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। तो ये हमने विटामिन ए के बारे में जान लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। दोस्तों इसमें पूछा गया है राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो किसका प्रारूप है भैया? तना का। किसका? तने का प्रारूप है राइबोसोम है जो, ठीक है, तने का प्रारूप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया है? तो भैया चेचक के टीके का आविष्कार किया है एडवर्ड जेनर ने। किसने किया है? एडवर्ड जेनर ने किया है। तो भैया कुछ चेचक के बारे में जान लेते हैं। जो चेचक है, तो भैया जिसे हम बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स बोलते हैं चेचक को, ठीक है, स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। तो भैया ये विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? वायरस जनित रोग है। और ये जो चेचक रोग चेचक रोग जो होता है, एक वेरियोला वायरस होता है। कैसा वायरस होता है?
वेरियोला वायरस होता है, इसी के कारण चेचक जो रोग होता है जो कि हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है। इसमें दोस्तों पूछा गया है कि शरीर में कुल हड्डियों की कितनी संख्या है, तो भैया शरीर में, मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं। कभी कभी हड्डियों के लेके क्वेश्चन बनता है कि भैया नवजात शिशु में हड्डियों की कितनी संख्या होती है, तो कितनी होती है? तो भैया 300 हड्डियाँ होती हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? इसमें दोस्तों पूछा गया है कि शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो एक फीवर फीवर हड्डी होती है, जो वो शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। कहाँ की होती है? जांघ की हड्डी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है, तो भैया शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो वो जबड़े में पाई जाती है। कौन सी? जबड़े की जो हड्डी होती है वो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हृदय 1 मिनट में धड़कता है, तो इसमें दोस्तों बताना है कि आपको हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो भैया कितनी बार? 72 बार। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब भैया एक कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है हृदय धड़कन को लेकर कि भ्रूण अवस्था में हृदय कितनी बार धड़कता है, तो भैया भ्रूण अवस्था में हृदय 150 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 150 बार धड़कता है। अब धड़कन के बारे में जान लेते हैं कि भैया जो धड़कन होती है, एक धड़कन जो होती है, तो एक जो धड़कन लगभग 70 मिलीलीटर रक्त पंप करती है। कितनी लीटर? 70 मिलीलीटर रक्त पंप करती है। जो धड़कन एक बार धड़कता है, एक बार धड़कने से हमारा दिल एक बार धड़कने से लगभग 70 मिलीलीटर रक्त पंप कर लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, खून का रंग लाल होता है, तो भैया खून का रंग लाल किसके कारण होता है? तो खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन यौगिक है, तो हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? प्रोटीन का। तो भैया हीमोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? इसमें दोस्तों आपको पूछा गया लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है तो कितना होता है? तो भैया लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। अब थोड़ा लाल रक्त कणिकाओं के बारे में जान लेते हैं, जिसे हम RBC के नाम से जानते हैं, रेड ब्लड सेल्स। अब भैया पूछा जाता है कि जो RBC होता है, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इनका जन्म कहाँ होता है? तो भैया बोर्न मेरो में। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में इनका जन्म होता है। और मृत्यु कहाँ होती है? तो भैया प्लीहा में होती है। लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु प्लीहा में होती है। प्लीहा को हम ब्लड बैंक बोलते हैं। ठीक है, प्लीहा को हम ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, रुधिर को थक्का जमाने में सहायक है। भैया रुधिर का थक्का जमाने में क्या सहायक है? तो विटामिन के। जो विटामिन के है, रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है। अब भैया विटामिन के आया है, तो भैया विटामिन के बारे में जान लेते हैं। विटामिन कभी कभी पूछा जाता है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लोक्विनान। क्या है? फ्लोक्विनान। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भैया रुधिर का तरल भाग है, रुधिर का तरल भाग कौन सा होता है? तो भैया रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है, जो कि हमारे शरीर में 55% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 55% पाया जाता है। अब आप सोच रहे होगे भैया 55% हमारे रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है, तो बचा हुआ शेष 45%, ये 45% क्या होता है? तो भैया ये 45 होता है ब्लड कॉर्पसेल्स, जिसे हम बोलते हैं रक्त कणिकाएं। क्या होता है?
ब्लड कॉर्प सेल्स, ये 45% में पाया जाता है ब्लड कॉर्प सेल्स, जिसे हम रक्त कणिकाएं बोलते हैं। अब रक्त कणिकाएं में शामिल होती हैं RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है। भैया रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन से ब्लड ग्रुप हैं? तो भैया ब्लड सर्वदाता जो होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है, कौन सा होता है? सर्वदाता, जो सभी को रक्त दे सकता है, सभी को रक्त दे सकता है, सर्वदाता उसे बोलते हैं, ठीक है। अब सर्वग्राही की बात की गई तो भैया सर्वग्राही कौन सा है? सर्वग्राही AB है, ये सभी से रक्त ले सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात की गई है रक्त समूह। अब भैया एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया रक्त समूह की किसने खोज की है? तो भैया रक्त समूह की खोज की है लैंडस्टीनर ने। किसने की है? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पित्त उत्पन्न होता है तो कहाँ होता है? तो भैया यकृत में। किस में होता है? यकृत में पित्त उत्पन्न होता है। अब भैया यकृत के बारे में जान लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं? यकृत को हम लीवर बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो भैया यकृत है। कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो भैया कितना होता है? 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, तो भैया कौन करता है? ब्रक, जिसे हम किडनी बोलते हैं, ठीक है। जो किडनी होता है रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट भैया क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो भैया शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। कौन सी? तंत्रिका तंत्र, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अब हम कुछ कोशिका के बारे में जान लेते हैं। तो भैया कोशिका की खोज किसने की है? तो कोशिका की खोज की है रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, जो कि डेड सेल्स थी, मरी हुई कोशिका। कब की थी? तो 1665 में कोशिका की खोज की है रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया संबंधित है। तो दोस्तों इसमें बताना है हाइड्रोफोबिया संबंधित है, किससे संबंधित है? तो कुत्ते के काटने से, ठीक है, कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वायरोलॉजी संबंधित है, वायरोलॉजी संबंधित है, तो विषाणुओं के अध्ययन से, किससे संबंधित है? विषाणुओं के अध्ययन से वायरोलॉजी संबंधित है। दोस्तों ये जो विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, इनकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और उसको मैंने टिक से समझाया है। तो दोस्तों आप उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खून का थक्का नहीं जमता है, तो ये किस में नहीं जमता है? खून का थक्का हीमोफीलिया रोग में नहीं जमता है। किस में नहीं जमता है? हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित हैं। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित हैं? तो भैया ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा जो रोग हैं आँख से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? आँख से संबंधित है। अब दोस्तों एग्जाम में आँख से रिलेटिव एक क्वेश्चन बहुत अधिक बनता है कि भैया आँख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? आँख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो भैया जो कॉर्निया भाग होता है, आँख का कॉर्निया भाग होता है, वो दान में दिया जाता है, तो ठीक है। दोस्तों ये 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। तो दोस्तों आपको बताना है मेरा ये वीडियो कैसा लगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों प्लीज़ अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ये जितने लोग इसको वीडियो को देखें तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।